हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, आज मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया है। मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक है, थोड़ा बहुत तैयार हो गई हूँ क्योंकि वीडियो बनानी थी। अंदर से तबीयत वीक है, पेट में दर्द है, मुझे लगता है मुझे ठंडी हो गई है। ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, 2 दिन से प्रॉब्लम हो रही मुझे। जब मैं बोलती तो हफने लगती हूँ, इसलिए आज न मैंने कल शूट किया ब्लॉग ना आज शूट किया है। बस आप लोगों से बातें करके सोच रही थी छोटी सी वीडियो बना के डाल दूं। डेली डालती हूँ तो हैबिट है मेरी, वीडियो नहीं डालते हैं तो और बेचैनी होती है। तो आज ना मैं किसी और के बारे में बात करूँगी, ना ब्लॉग के बारे में बात करूँगी। आज मैं बस आप लोगों से दिल की बात करूँगी अपने। आई होप आप मेरी बातों को समझोगे फ्रेंड्स। जो भी चल रहा था, मैं भी वीडियोज़ डाल रही थी उसमें सोशल मीडिया में जो चल रहा था। कुछ व्यूवर्स को मेरे नहीं पसंद आ रहे थे वीडियो, कुछ को पसंद आ रहे थे। कुछ ने कहा कि मैं तो ब्लॉग ही देखना बंद कर दी हूँ साधना के, जब से मनीषा के बारे में वीडियो डालती हैं साधना। तो नहीं, आप लोग बंद मत करिए, आप लोग मेरे सपोर्टर हो, मेरे माई बाप हो भाई। जो हमें 2 रुपए दे सके उसे माई बाप ही कहते हैं। आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखोगे तो मुझे इनकम और भी नहीं होगी, ठीक है? तो आप लोग मुझे देखो, मेरे वीडियो को देखो, पसंद करो, तब तो जाके मेरी इनकम होगी, है ना? कहते हैं कि अपनी परेशानियों में तो सब परेशान होते हैं, जो दूसरों की परेशानी को परेशानी समझ लेते हैं ना, वो बहुत खास होते हैं। आज हस्बैंड जी गए हैं खेत, धान कट रहा है हम लोग का, और मैं घर में हूँ, वीक हूँ, बच्चे गए स्कूल, मैं हफ रही हूँ खड़े होके। पता नहीं हफी आ रही है, ठंडी सी लग गई, पूरे शरीर में एकदम दर्द है फ्रेंड्स। पता नहीं क्या हुआ है, ठंडी ही लगी है मुझे लगता है। ठंडी लगी होती है, तबीयत खराब होती है ना, तो आंखों से पता चलता है। आंखें थोड़ी ऐसी रहती है झुकी झुकी, ऐसे थकी थकी, है ना? लगता है नींद ही नहीं पूरी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि नींद नहीं पूरी हुई है, बस टीवी लगा के आए हूँ, कुछ देर बैठ के टीवी देख रही थी, फिर सोचा कि आप लोगों से बातें कर लूँ, एक वीडियो ही डाल दूँ। कैसे पकड़ूँ, एक हाथ से दर्द होने लगा मेरे हाथों में, ये वाला हाथ एकदम से दर्द होने लगा। मैं भी 3-4 दिन से वही सारी वीडियोज डाल रही थी, इसकी नेहा और मनीषा सब भी डाल रही थी वीडियो, क्योंकि मैं भी ऐसी उलझनों में परेशानियों में पड़ चुकी हूँ। मान लो मैं, मुझे किसी ने नहीं ऊपर उठाया है, मतलब इनका ये प्यार वाला मामला है, हमारा घर वाला मामला था। वाइफ हस्बैंड की चीख चीख होती थी एक समय में, तो मैं भी वीडियो डालती थी भाई, जो भी प्रॉब्लम मुझे होती है मैं यूट्यूब में डालती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो उस चीज़ को अगर मैं एक बड़ी यूट्यूबर होती तो लोग उछालते, हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अभी कि लोग हमारी वीडियो को उछालें। इसलिए तो सबके घर में कोई ना कोई मैटर होता रहता है, प्रॉब्लम होती रहती है, तो किसी के बात की कीमत को समझना चाहिए, किसी के घर की बात को समझना। जैसे आपके घर की बात ही वैसे मेरे अदर इंसान सबके घर की वही प्रॉब्लम होती है। नेहा तो सच में फ्रेंड्स, आप जरा सोचिए उसके बारे में, सचिन ने जो कुछ भी उड़ाया है, कैसा उसे फील होता होगा, उसके घर वाले क्या बोलते होंगे, फैमिली वाले क्या बोलते होंगे, और रिश्तेदार, सबसे ज़्यादा तो रिश्तेदार परिवार होते हैं। जो कुछ परिवार में अच्छे लोग होते हैं जो सबकी मुसीबत को समझते हैं, और कुछ थोड़े गिरे टाइप के होते हैं, वो मुसीबत से उनसे मतलब नहीं होता, उन्हें ये होता है कि हम चलें किसी की प्रॉब्लम को बढ़ाएं, मजा आएगी। क्या मतलब है, किसी की प्रॉब्लम, आपके प्रॉब्लम को किसी ने बढ़ाया, आप किसी और के प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, आप तो उसी रेट पे आ गए ना, फिर आपकी कीमत कहाँ ऊपर रह जाएगी फिर। तो सबकी प्रॉब्लम्स को समझा करिए, परेशानी को समझिए। अब मेरा तो हाथ दर्द कर रहा है, आज मैं इस स्थिति में हूँ कि अपना फ़ोन भी पकड़ के आप लोगों से बातें नहीं कर पा रही हूँ। तो टेक लगा ली हूँ, टेक लगा के आप लोगों से बात कर रही हूँ। चलिए जाऊँ, थोड़ा बहुत खा लूँ, आज मैंने कुछ खाया भी नहीं है, भूख लगी है लेकिन कुछ भी खाने का मन नहीं है। लगता है बच्चे जब स्कूल से आएंगे तब उन्हीं के साथ खा लूँगी मैं भी 1-2 रोटी। अभी 2-4 दिन से चावल भी नहीं बन रहा मेरे घर में, क्योंकि ठंडक इतनी ज़्यादा है। देखो मच्छर, ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ये उड़ रहा है आगे पीछे। ठंड के मौसम में ना, अभी हल्की ठंड है ना, तो मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लग भी रहे हैं, काट भी रहे हैं। फैन चला नहीं सकते, ठंडी है, ये मेरे पास से हटेगा नहीं, इसको कैसे हटाऊं, पता नहीं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग भी सोचते होंगे ना, साधना क्या बोल रही हो आप, बोर हो रहे होगे ना। आज मैं खुद बोर हूँ, अपने आप से बोर हूँ, क्योंकि अकेली बैठे बैठे ऊब रही थी,
कुछ मन चंगा रहता है तो कठौती में गंगा रहता है, जब मन सही रहता है तबीयत सही रहती है तो काम भी घर के अच्छे लगते हैं करने में, ब्लॉग शूट करने में भी अच्छा लगता है। और अभी ना ब्लॉग चल नहीं रहे हैं तो मन भी नहीं होता है ब्लॉग शूट करने का, लगता है चलो हटाओ कौन शूट करेगा, कहाँ इसमें मुझे लाखों मिल जाएंगे। हस्बैंड भी कह देते, बच्चे भी कह देते हैं मम्मी कौन सा आपकी वीडियो में लाखों व्यू आते हैं कि आप एक दिन नहीं डालेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं उनको यही कहती हूँ कि कितना आता है कितना नहीं आता भी ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा काम है, मैं इसे बड़े ढंग से करती हूँ और करना चाहती हूँ, क्योंकि 2 रुपए 4 रुपए 6 रुपए जितना भी मिल रहा है मुझे, मैं उससे संतुष्ट तो नहीं हूँ लेकिन हाँ उसे छोड़ नहीं सकती हूँ, भले कम मिले लेकिन मिले, बेर सबेर जैसा भी हो मिलेगा। बस यही एक उम्मीद लेके मैं ब्लॉग डालती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ। अभी 2 दिन से मैंने ना नेहा का वीडियो देखा है ना मनीषा का देखा है, किसी का नहीं देखा, बंद कर दी हूँ। अगर उनकी वीडियो देखती हूँ तो मन होता है कि यहाँ ये चीज़ गलत है बोल दूँ, मैं भी अपनी वीडियो में बोल दूँ। 2 दिन से मैंने देखा नहीं है तो मेरा मन भी नहीं उनके विषय में कुछ बोलने का जाए। सबकी प्रॉब्लम होती रहती है लाइफ में यार, किसकी किसकी प्रॉब्लम को हम अपना समझेंगे, हम भी जब प्रॉब्लम में होते हैं क्या कोई आता है समझ ले हमें, कोई नहीं समझता है, तो हम क्यों इतना ज़्यादा ध्यान दें, जाने दो, ये दुनिया है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे मनीषा लोगों ने उछाला है उसकी लाइफ की इज्जत को, नेहा के अगर नेहा को कुछ होता है प्रॉब्लम तो सच में फ्रेंड्स ये लोग फंसेंगे। ऐसे सोशल मीडिया भी इन्हें नहीं लाना चाहिए बात को, बस अंदर ही अंदर फ़ोन ऑन करके बात अपना सुलझा लेना चाहिए, सोशल मीडिया भी लेके आने की क्या जरूरत थी। बट पता नहीं क्यों लाए हैं, क्या होगा मैं कुछ नहीं जानती, खैर मैं अपना जानती हूँ। चलिए बच्चे आने वाले हैं, कुछ खा लूँ, आप सब बने रहिए, कल से ब्लॉग शूट करूँगी थोड़ा सा, तबीयत ठीक हो जाएगी तो बने रहिए। जो लोग न्यू आए चैनल में, चैनल को मेरे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।